शिवा सीते लाया मंदिर से मुझको इरादा है क्या, नाम क्या है तेरा, अरे बता दे मुझे, लाया जंगल में मुझको किसी तुझको यहाँ के लिए, लेकिन पहले तेरे हुस्न से खेलूंगा, जो भी आएगा तुझको और बचाने यहाँ मार करके उसे यम पूरी भेजूंगा। सियाना नहीं जीते ही जति अपनी, अरे गवाऊ नहीं हाथी मेरे बदन में, आ रहा हूँ मैं तुमको और लगाने चले, मेरे कहने का मतलब समझ जा। मुझे इश्क का भूत तेरे सर पर चढ़ा, इस कुल्हाड़ी से पापी कर। क्या कहा, मेरा नाम आप परिचय जानना चाहता है, मेरा नाम सुनेगा लड़के तो तेरे होश गुम हो जाएंगे। डाकू रघुवीर रघु नाम सुनने मेरा रे डाकू रघुवीर। तलवार से मान कहना मेरा, जा तू वापस चला वरना मारू कमीना अभी जान से। क्या बोल रहा है, चला जा, मैं तो जिस तरह हम लकड़ी का बोटा बनाते उसी तरह काट लूंगा। बताता था मारा गया, और ये भैया प्यास लगी है, चल पानी पीकर कहीं प्यास बुझाते हैं, आजा। ठहरो, बच्ची का क्या चल रहा, ठहरो नहीं ठहरो।
मैं आपकी इंसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप ही बताइए आप नाम क्या है? हमार नाम जी हाँ। अरे हमार नाम जंगली है। जंगली? हाँ मैं पलंगपुर गांव में रहता हूँ। इनके नाम जंगली, हमारा दंगली। आपका नाम दंगली है? ये पलंगपुर के हैं, हम बेडपुर के हैं। अच्छा। और हाँ आपने तो हमारा नंबर पता जान लिया, आखिर आप कौन है? मैं रियासत शंकरगंज महाराज धीर सिंह की बड़ी राजकुमारी किरण है। राजा की बेटी है। इनका तो अपना कुना तेरे मुंह पर। अबे तेरा भी है, हट पीछे हट हट हट। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजकुमारी जी नमस्ते। अबे तू तो मार खाएगा, तू तो मार खाएगा, मुझे भी मार खाएगा। राजा की बेटी है, फांसी करवा देंगी। हाँ हाँ इसे नहीं गिरा और थोड़ा आधा से। आप क्या ही जड़े हो जी रही क्या? अरे मैं ही जड़ा नहीं हो रहा है। अरे राजकुमारी जी मिला। आप चलिए मेरे साथ दरबार, पिताजी से कहकर काफी इनाम दिलाऊंगी। राजा साहब से कहकर काफी इनाम दिलाएंगे। और क्या इनाम? इमान नहीं इनाम। चलिए 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 चलिए। अरे सुन, वो राज दरबार है, होशो हवास से रहना। सिपाही हरि राम। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। सेनापति गदराज सिंह, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो हुआ या नहीं? राजकुमारी किरण मिली या नहीं? महाराज मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन राजकुमारी किरण का कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। किरण बेटी। हाँ माँ। तू डाकू से बच के चली आई? हाँ माँ। कैसे बच के चली आई? माँ मुझे डाकू उठा ले गया था। हाँ। वो कह रहा था मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। खून? हाँ माँ। अरे राम हो फिर। मैंने बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, ए नौजवान आकर मेरी जान बचा ली माँ, और इसी कुल्हारी से उसी डाकू को जान से मार दिया। जान से मार दिया? हाँ माँ। अपना नाम क्या बता रहा था? डाकू रघुवीर सिंह। हाँ पिताजी। डाकू रघुवीर से जान ने बचाया। मेरी बेटी की शान वा मान बचाने वाले नौजवान, तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है? डरो मत, आगे बढ़ो और बतलाओ। राजा साहब हमार नाम जंगली है। जंगली? हाँ मैं पलंगपुर गांव में रहता हूँ। तुम पलंगपुर गांव में रहते हो? नौजवान मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। तो वीरता पर तेरी आज मैं खुश हुआ, आज से तुम रहो मेरे दरबार में, मंत्री का कार करिए मेरे साथ में, काफी इज्जत मिले तुमको दरबार में। मंत्री बनने साथ अचिया ने न दूं
महाराज की जय हो। बोलो गजराज कहना क्या? वैसे लड़का बहुत बहादुर काम किया, मैं इसकी बहादुरी की कद्र करता हूं। करना ही चाहिए, लेकिन उम्र में कम है। महामंत्री की सीट संभालने काबिल इसकी उम्र नहीं है महाराज, इसलिए मुझे महामंत्री बना दिया जाए। सेना पद की सीट छोटी है, मंत्री बनना चाहते हो गजराज सिंह? जी हाँ महाराज। लेकिन गजराज सिंह, मैंने तुम्हें 500 सैनिकों के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजा था, तुम राजकुमारी की पता तक नहीं लगा सके। इस नौजवान ने मेरी बेटी की शान मान बचाया है। गजराज सिंह, जिस सीट पर तुम हो उसी सीट पर रहोगे। महामंत्री बना दो, महामंत्री बनना चाहते हैं, जो काम सौंपो अच्छी तरह से खुद नहीं कर सकते, महामंत्री बनना चाहते। सही कह रहा है, सही कह रहा है सेनापति गजराज सिंह। इस नौजवान को लेकर जाओ, मंत्री के ड्रेस और रहने का कमरा बताया जाए। खुश रहो। महारानी जी, दोनों राजकुमारों को लेकर जाओ और भोजन कराओ। चलो बेटी, मैं तुम्हें भोजन कराऊं। कोई नौकरी दिला दो महाराज। बोलो महारानी, ये क्या कर रहा था? साथ में था महाराज, कोई दरबार में नौकरी दे दो। महारानी जी ठीक है, इसकी मोछे देखो महारानी जी, मुंह कैसे बनाता है। ऐ खड़ा हो जा, तू भी साथ में था, मदद की थी। ऐ देख कर चल, देख कर चल। महाराज हम तो डकुआओं का जैसे चैलो चीरो। शाबाश शाबाश, तुम भी साथ में था, उसे मार डाला। उनके नाम जंगली, हमारा नाम दंगली, वो पलंगपुर का ही हम बैटपुर का रहने वाला है, बैटपुर के रहने वाले नौजवान। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, मान जो मांगेगा तुम्हें आज मिलेगा। महाराज हमका कौन चीन दे दिया? चीन में चाहता क्या है? हमें दियो मशीन। मशीन? हाँ। किस चीज की मशीन? बार बनाने वाली। बार बनाने वाली मशीन मांगा तो मांगते नहीं बना, और कुछ मांग ले। नहीं महाराज, हमें सुनने का दियो, सिर चौराहे पे दुकान खोली, सिर वाले हमें से बार बनवा। सही कह रहा है, देख तुम्हें सोने की मशीन मिलेगी और तू भी यही रहेगा, कहीं जाने की जरूरत अब नहीं। अच्छा महाराज की जय हो। अब हमारा नौकरी लाग गलो लगनिया। दांत देखा, मैं यहाँ पर नौकरी मिल गई है, अब यहाँ पर तुम ड्यूटी करोगे, लेकिन ड्यूटी करोगे तो मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे। तुहरे चंडाल बार है का? क्या बात है बता? नहीं जो हथवा यस कह के बोलो तू, जवन ऐसे ऐसे उलरा था कहो तू मरबो हमार मुहा इधरिया से इधरिया आ गया। दांत न काढ़ो, हमेशा वही दांत वाली बात करता है। अब तुम्हें मेहनत का काम करना पड़ेगा, रात दिन दौड़ोगे, दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे। जाओ पूरी रियासत में मुनादी करके बता दो कि डाकू रघुवीर सिंह मारा गया, मारने वाले के नाम जंगली, जंगली की बहादुरी पर महाराज धीर सिंह खुश हो गए, इसलिए रात दरबार में जंगली को महामंत्री का पद दे दिया। इसे मुनादी करके बता दिया जाए, और कोई गलती करोगे ना क्या होगा? एक मिनट, सावधान सावधान, ए सावधान, इधर मुंह हमारी तरफ, हमारी तरफ। हाँ मुंह, आपके नाक पे मधुमक्खी बैठी है।
मेरे नाक पर मधुमक्खी बैठी है, उसे तो इस चैले से मारोगे लकड़ से। मारने से पहले वो उड़ जाएगी और मेरा खोपड़ा फट जाएगा। धरा पूरी रियासत में मुनादी करके बता दे। भैया यार तुम्हें नहीं बह रहा हुआ यार, तू क्या हो? तू तो हमारे गाँव को ना हो भैया। सब ये सुन लियो, अब वही देखो सरऊ जमन रहे रख दी रहू है मारा गए। मारा वाले के नाम अक्सू जंगली, जंगली पे खुश हो के महाराज का महामंत्री बनाई। अब जमन चीज बरन कहाँ पंडुआ है चंडुआ है के गाड़ी हुआ हो, क्यों लाई न जाए द्वारे धराओ, हम ही चाहे उठा ले जाए। अब चली तो है इधर मंझनपुर में ऐलान करेगा बा, विवाह के बाद मुड़कटिया जाएगा परे है गौहनिया जाए ऐलान करे। अरे ये मैंने क्या सुना, मेरे सरदार अभी जीवित, उन्हें मरा बताया जा रहा है। ये जंगली का बच्चा किस मिट्टी से बना हुआ है, जिंदे आदमी को मरा बताकर सेकर कर जा सकते महामंत्री की सीट दिया है। घबराओ नहीं जंगली, इस बात को चलकर मैं अपने सरदार से बताऊंगा, फिर तेरी खबर लूंगा।